हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मिनट्स ऑफ मीटिंग। कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि इसका क्या उद्देश्य क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, मैं भूल ही गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन ऐसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक क्लिक करके, और यहाँ से फिर आपको बीकॉम में आना है। यहाँ पे एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, और फिर आप हमारे चैनल का मेंबर बन पाएंगे। मेंबर बनने के लिए आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ मोर अबाउट पर्क्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहला तो बेनिफिट है कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, एक रुपए भी आपको असाइनमेंट के लिए पे नहीं करना होगा। साथ ही साथ लो कॉस्ट यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, 40% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप सर्च करें, यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे इग्नू बीकॉम न्यू नाम से है। यहाँ पे जाने के बाद आप जैसे ही इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट निकल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो इन जनरल अगर मैं बताऊं तो मीटिंग जो होती है, जैसे कि मेरा और मेरे फ्रेंड के बीच में अगर मीटिंग हो रही है, तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात पे मीटिंग हो रही होगी तो किस बात पे क्या क्या हमारा डिसीजन था उसके उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट? कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, इस तरह की जानकारियां जो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो मैं उसको बोल सकूं कि भाई देख, तूने मीटिंग में मुझसे ये कहा था। ठीक है, तो जो भी मीटिंग में प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी कंक्लूजन होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन सब को रिकॉर्डिंग जो करते हैं हम, उसी को हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग में जो भी चीजें एक तरीके से निकल करके आ रही हैं, चाहे वो डिसीजन के रूप में हो, चाहे कोई रिजोल्यूशन हो, चाहे कोई ट्रांजेक्शन हो, वो सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड करा जाता है और उसी को हम कहेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो बहुत ही सिंपल सा इसका मीनिंग है। चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है। सो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड मिनट्स इज ए नोट टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ एनीथिंग। तो जो लिटरल मीनिंग है वर्ड, जो मिनट्स है उसका मीनिंग है, वो ये है कि आप नोट करके रख रहे हो, प्रिजर्व करके रख रहे हो द मेमोरी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की मेमोरी को आप प्रिजर्व करके रख रहे हो, नोट करके रख रहे हो। सो द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द बिजनेस ट्रांजैक्टेड, डिसीजंस टेकन एंड रिजोल्यूशंस अराइव्ड एट। जो मैंने बातें बताई वही सारी यहाँ पे हैं, कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होती हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स होती हैं मिनट मीटिंग के प्रोसीडिंग्स की, उसमें इंक्लूडिंग जो होगा उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड होगा, उसमें जो डिसीजन आपने लिया वो भी इंक्लूडेड होगा, साथ ही साथ जिस रिजोल्यूशन पे आप पहुंचे हैं वो भी आपका इसमें इंक्लूडेड होगा। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये सारी चीजें होती हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग मिनट इज टू कीप प्रिजर्व अ क्लियर कॉन्शियस एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कंक्लूजन रीच्ड इन द मीटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी व्हिच वुड सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द सब्जेक्ट डील्ड विद एंड द एक्शंस टू बी टेकन इन फ्यूचर। है ना, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना मिनट्स को रखने के, उनका यही मतलब जो मेन इंपॉर्टेंस होता है, जो उनका काम होता है, वही होता है कि वो सारी चीजों को क्लियरली कंसाइज वे में एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है उस चीज को रिकॉर्ड रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जब उसकी आवश्यकता पड़े तो उसको जो है निकाल करके देखा जा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर काम को किया जा सके। राइट, द मिनट्स वंस कंफर्म्ड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग आर एक्सेप्टेबल एज एविडेंस ऑफ द प्रीसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स। है ना, तो मिनट जो होती है जब वो कंफर्म हो जाती है सब्सिक्वेंट मीटिंग में, तो उसके बाद जाकर के उसको एज ए यू नो एविडेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, तो मिनट्स दो तरह की होती है, मिनट्स ऑफ डिसीजन एंड मिनट्स ऑफ नरेशन। ठीक है, दो तरह की यहाँ पे मिनट्स के बारे में बताया गया। मिनट्स इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, दो तरह के मिनट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक है मिनट्स ऑफ डिसीजन और दूसरा है मिनट्स ऑफ नरेशन। तो दोनों का क्या मतलब है, चलिए फिर उसको समझ लेते हैं। सो मिनट्स ऑफ डिसीजंस, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं, फिर दूसरे कलर से मैं इसको कराने वाला हूं। चलिए फिर देखते हैं। सो मिनट्स ऑफ डिसीजंस आर आल्सो नोन एज मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशंस। मिनट्स ऑफ डिसीजन जो होते हैं उनको हम मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशंस भी बोलेंगे। हियर द डिटेल्स ऑफ द डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग आर ओमिटेड एंड ओनली द फाइनल डिसीजन टेकन ऑन एवरी आइटम आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन। देखो, तो जब भी मीटिंग हो रही होती है तो मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा होता है कि इस टॉपिक के ऊपर हम मीटिंग करने वाले हैं। तो जो भी आपका एजेंडा होगा उसके ऊपर
जो भी आंसर्स आएंगे, जो भी उनका एक तरीके से जो रिजोल्यूशन निकलेगा, जो उनका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, आप सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हो मिनट्स ऑफ डिसीजन में। तो मिनट्स ऑफ डिसीजन में जब भी किसी टॉपिक के ऊपर जब आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको सिर्फ रिकॉर्ड कराया जाता है तो हम उसे कहेंगे मिनट्स ऑफ डिसीजंस। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि मिनट्स ऑफ डिसीजंस आर आल्सो नोन एज मिनट्स ऑफ रिजोल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशंस को एक तरीके से रिकॉर्ड करा जाता है जो भी रिजोल्यूशंस निकल करके आते हैं। हियर द डिटेल्स ऑफ डिस्कशन हेल्ड इन द मीटिंग आर ओमिटेड, जो भी डिस्कशन हुआ है उसको ओमिट कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल डिसीजंस आपने लिए हैं ऑन एवरी आइटम, जो भी एजेंडा था उन सब के ऊपर, उसी को जो है एज अ रिजोल्यूशन प्रिजर्व करके रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जिसे हम कहेंगे मिनट्स ऑफ डिसीजंस। राइट, दीज रिजोल्यूशंस आर यूजुअली इन द अफर्मेटिव फॉर्म एंड बिगिन विद द वर्ड्स रिजॉल्व्ड दैट, यहाँ से लेकर के इट वॉज रिजॉल्व दैट दैट, यहाँ पे मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक था उसका जो रिजोल्यूशन जो रिजॉल्व हुआ है उसमें क्या रिजॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो यहाँ पे याद आपको बहुत ही आसान है समझने में, यहाँ पे सिर्फ डिसीजंस जो हो रहे हैं मिनट्स को ले लेकर के उनको यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड रखा जा रहा है एजेंडे को लेकर के, तो इसलिए हम उसको कहेंगे मिनट्स ऑफ डिसीजन। मिनट्स ऑफ नरेशन नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें हो रही है आपके मीटिंग में उन सारी चीजों को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे मिनट्स ऑफ नरेशन। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस कवर्ड इन अ मीटिंग इंक्लूडिंग द डिस्कशंस आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एंड अगेंस्ट अ मोशन ईटीसी। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपके मीटिंग में, चाहे वो यू नो वोटिंग का काम हो फॉर में या अगेंस्ट में, है ना, कोई डिस्कशन हो किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर कोई आर्गुमेंट हो किसी किसी के बीच में, तो वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती हैं। मिनट्स ऑफ नरेशन ऑल्सो रिकॉर्ड द आइटम्स लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, यहाँ पे देखो मिनट्स ऑफ नरेशन में कितने लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया, द रिसीट ऑफ अपोलॉजीज फॉर एब्सेंस, जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों ने अपोलॉजी मांगी या नहीं मांगी, द सबमिशन ऑफ रूटीन रिपोर्ट, जो रूटीन रिपोर्ट सबमिट किए जाते हैं वो सबमिशन हुआ कि नहीं हुआ, एंड द पासिंग ऑफ अ वोट ऑफ थैंक टू द चेयरमैन, और एक वोट ऐसे पास करना चेयरमैन के लिए कि चेयरमैन ने इस मीटिंग को रखा और इसको कंडक्ट कराया उसके लिए, कि सारी की सारी जो भी चीजें एक्टिविटीज हो रही है पूरी की पूरी मीटिंग में उन सबको जब रिकॉर्ड करा जाता है तो उसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ नरेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग समझ में आ गया होगा, जिसके दो पार्ट है मिनट्स ऑफ डिसीजन, मिनट्स ऑफ नरेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसको करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। राइट, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनट्स चलिए देखते हैं। So recording of minutes of meeting helps in achieving many objectives which can be listed as follows. तो बहुत सारे इसके objectives हैं जिसको एक-एक करके हम बताने वाले हैं। सबसे पहला है human memory is short and it is not possible to remember all of what transactions were decided in a meeting after a lapse of some time. है ना, तो जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप हर एक चीज के बारे में जानकारी आपके दिमाग में रहे, है ना, जो भी चीजें आप कर रहे हो मीटिंग के दौरान मीटिंग के पहले वो सारी चीजें आपको याद नहीं होती है, याद होते भी है तो कुछ टाइम के बाद आप उन चीजों को भूल जाते हो। राइट, ऐसा होता है। सो इस तरह के किसी भी तरह के डिस्प्यूट को इन फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए जो है आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो, जिसे हम मिनट्स कहते हैं। राइट, सो दस टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इन द फ्यूचर द रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स आर इम्परेटिव। राइट, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मिनट्स कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द रिजोल्यूशंस पास्ट और डिसीजंस टेकन व्हिच शो अ एम्पिरिकल प्रोग्रेस ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। है ना, तो मिनट्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास रह जाता है, जिसके जरिए आप जानकारियां जो है इन फ्यूचर जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप निकाल सकते हो। है ना, तो मिनट्स कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट रिकॉर्ड, आप एक परमानेंट रिकॉर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो भी रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हो उन सब चीज के बारे में, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उन सब चीज के बारे में चीजों को आप रिकॉर्ड करके रख रहे हो। है ना, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें आप कर रहे हो उनको आप रिकॉर्ड करके रखते हो। राइट, ताकि इन फ्यूचर जाकर के जब भी उसकी आवश्यकता पड़े तो उसको निकाला जा सके। राइट, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है मिनट्स वंस कंफर्म्ड बाय द चेयरमैन इन द सब्सिक्वेंट मीटिंग आर एक्सेप्टेबल एज लीगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन कनेक्शन विद एनी रेलेवेंट मैटर। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये फ्यूचर की बात हो गई ना कि आपने रिकॉर्ड रखा, तीसरे पॉइंट में आपको बता दिया गया कि मिनट्स जिसको कंफर्म कर दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा उसको आगे जाकर के सब्सिक्वेंट मीटिंग में एज ए सब एक्सेप्टेबल उसको कर दिया जाता है एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, कि इन फ्यूचर कभी भी अगर आवश्यकता पड़ेगी कानून के सामने, लॉ के सामने, न्याय के सामने जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके ही जो है डिसीजंस लिए जाएंगे। है ना, जब भी किसी भी रेलेवेंट मैटर के ऊपर जब भी कोई लॉ के दौरान जब इस चीज को आवश्यकता पड़ेगी तो इसको दिखाए जाएंगे और ये लीगली एक्सेप्टेबल होगा।
बाय द लॉ, है ना, क्योंकि इसको कंफर्म कर दिया गया है चेयरमैन के द्वारा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी रजिस्टर्ड बॉडी टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स देयर रिस्पेक्टिव मीटिंग्स. सो अ रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स इज नेसेसरी टू कॉम्प्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एज वेल. सो ये बहुत ऑब्लिगेटरी भी हो गया है अभी के टाइम पे किसी भी रजिस्टर्ड बॉडी के लिए कि वो जो भी मीटिंग वो कराता है उसकी रिकॉर्ड्स जो है उसके पास में होनी चाहिए. जो भी मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स होगी उन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है उसके पास में होना चाहिए. इसीलिए अभी के टाइम पे ये जो जो एक्सरसाइज है मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला, इसको करना अभी के टाइम पे एक तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट भी हो गया है. ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को और लंबा नहीं कर रहा. इस लेक्चर में मैंने आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने आपको बताया है. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. बाय बाय. थैंक यू.